सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैंने फिर से एक मॉक दिया, तो ये भी प्रीवियस ईयर मॉक था। तो देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। तो मेरा स्कोर 139.5 रहा है। तो मॉक का जो कट ऑफ जो था वो वेरी लिटिल मार्जिन से क्रॉस हो गया, बट इट्स रियली नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो चलो देखते हैं कि मेरा सेक्शन वाइज क्या स्कोर रहा। तो इट्स ओके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, तो इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश में मैंने 24 अटेम्प्ट किया और 24 मेरा सही हुआ, और एक मैंने छोड़ दिया था। तो एक मैंने लीव किया था, कौन सा? तो ये गाइस नंबर 5, ओनली द नॉवल ब्लैंक्स मच डीपर देन हिस्ट्री। तो मुझे प्रोब्स या इम्बाइब्स लग रहा था, तो अच्छा प्रोब्स ही होता, बट मैं नेगेटिव नहीं लेना चाहती थी तो मैंने टिक नहीं किया, तो प्रोब्स इसमें होता। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग, रीजनिंग का। तो रीजनिंग में तो अगेन ये सिली मिस्टेक ही है। तो 1 का अपोजिट साइड पूछा गया था, तो ये सेम कॉमन डाइस वाले से बनाते हैं, तो पता नहीं मैंने क्यों गलत कर दिया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ये मुझसे गलत हो गया, तो बहुत बुरा लगता है जब पढ़ी हुई चीज़ें भी हम गलत कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आई विल इम्प्रूव। तो फिगर सीरीज़ के मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो फिगर सीरीज़ का एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग कि ये वाला होगा, फॉर द नंबर डिक्रीजिंग फ्लिपिंग वर्टिकली। ठीक है गाइस, तो मैं इसे अच्छे से देख लूँगी, और अगर मैंने फिगर सीरीज का ही छोड़ा था तो ठीक है, मुझे ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कर लेना होगा, बिकॉज बार बार मेरे मॉक्स में या तो ये क्वेश्चन छूट जा रहा है या गलत हो जा रहा है। तो ठीक है, बाकी 2 सिली मिस्टेक्स हुए, 2 मैंने लीव किया था। अब हम आते हैं जीएस सेक्शन पर। तो जीएस सेक्शन में मैंने टोटल अटेम्प्ट्स करा 14, तो 1 उसमें से गलत हो गया गाइस। तो 1 जो गलत हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर होता अली अकबर खान मैंने लगाया था, बट मुझे सेकंड मुझे लग रहा है कि अलाउद्दीन खान इसका होना चाहिए था। यस, यही होता। तो गाइस मैंने ये पढ़ रखा था PYQs में, बट अभी माइंड से चला गया था मेरा, क्योंकि रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिविज़न नहीं करने से यही होता है। चलिए गाइस, फिर अब देखते हैं हम देखते हैं क्वांट का। तो क्वांट में आप लोग देख लो कि मैंने 15 अटेम्प्ट करा, उसमें भी 2 गलत हो गए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, ये तो चलो मैंने बना लिया, और फिर ये अलजेब्रा से क्वेश्चन रह गया, फिर ये एलिगेशन मिक्सचर वाला क्वेश्चन रह गया, फिर से अलजेब्रा से क्वेश्चन रह गया। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सारे इजी है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ बढ़िया से, मतलब क्या बोलूँगा, इस टाइम नहीं मिल रहा मुझे, बट पढ़ना तो होगा ही। तो आज कोशिश करूँगी कि मैं अलजेब्रा के कुछ लेक्चर्स देख लूँ, तो जिससे ये सारे क्वेश्चंस मुझसे बनने लगे। ओके, तो ये भी अलजेब्रा, तो ये हमने देख लिया, और ये मुझसे रह गया, पता नहीं क्यों रह गया गाइस। बना रही थी, फिर कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम हो गई, नहीं बना। फिर उसके बाद फिर अलजेब्रा से क्वेश्चन, फिर ये ट्रिगो से, फिर उसके बाद ये सिली मिस्टेक है गाइस कुछ, और फिर उसके बाद 17 ये भी ट्रिगो से क्वेश्चन रह गया। फिर ये भी मैंने ट्राई किया, मुझसे हुआ नहीं ज्योमेट्री का, क्या बोलूँ यार, व्हाट विल द रिमाइंडर वन, ये गलत हो गया, अब क्या ही बोलूँ। तो बहुत सारे वीक चैप्टर्स हैं मेरे, सबसे पहले तो अलजेब्रा से ही 3-4 क्वेश्चन थे, और मेरा बिल्कुल कंप्लीट है नहीं अलजेब्रा, तो फिर यही होना था। तो उसके अलावा एलिगेशन मिक्सचर एंड देन ये सब। तो गाइज आई विल इम्प्रूव। तो मुझे लगता है कि अभी 8:40 हो रहे हैं, तो अभी मैं 1 to 2 आवर्स मैं पढ़ लेती हूँ, मैथ्स ही कंप्लीट करती हूँ, अलजेब्रा और मे बी एलिगेशन मिक्सचर, और इसके साथ आई विल ट्राई कि मैं कुछ पैटर्न्स देख लूँ फिगर सीरीज़ के, रीजनिंग में जो मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आई विल ट्राई दैट। तो अराउंड 2 आवर्स पढ़ूँगी, उसके बाद
उसके बाद मैं फिर से एक मॉक लगाऊंगी एंड आई शेयर माय स्कोर। तो गाइज आप लोग भी मॉक लगाते रहो बिकॉज मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल नाउ। तो 12 बजे से पहले मैं एक और मॉक शेयर करूँगी, मॉक स्कोर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।